देखो यहाँ पे तुमने पढ़ा था स्टार्टिंग के समय कल कि स्टेप अप कौन सा स्टेप डाउन कौन सा उसके बारे में बात हो गई थी। अपने अपने को उसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर है उसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, उसका रिएक्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, उसका जेड इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, उनकी बड़ी बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक डाल के पहले लिखो किसी प्रणाली का इसी परामीटर का तुल्य है प्रतिरोध तुल्य प्रतिघात व तुल्य प्रतिबाधा की गणना। तुल्य प्रतिबाधा की गणना यानी अपने को क्या क्या निकालना है वो देखो। सबसे पहले तो कि जैसे मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ गया यानी तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ सकता है, तुल्य प्रतिघात। समझ गए, और या क्या निकालना पड़ सकता है आपको, तुल्य प्रतिभा। इसको अपने क्या बोलते हैं, इंपीडेंस है। समझ में आ गई मेरी बात, यानी इसका तो ये तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हो गया। आपके पास कोई ना कोई जो वैल्यू आ रही है उसका आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, इसका आर इक्विवेलेंट क्या है, इसका क्या है एक्स इक्विवेलेंट क्या आ रहा है और इसका जेड इक्विवेलेंट में क्या है, इनकी गणना करनी है। यानी आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। समझ में आती मेरी बात, यानी प्राइमरी रेजिस्टेंस आपके पास यूज कर रहे हो, सेकेंडरी रेजिस्टेंस उसको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे यूज की जाएगी। जैसे ट्रांसफार्मर कोई भी आपके पास, मेरे पास ये ट्रांसफार्मर मान लिया, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर आपके पास ये मान लिया कोई भी वाइंडिंग आप ले लीजिए, इसकी प्राइमरी मान सकते हो या इसकी मान सकते हो सेकेंडरी। सबसे पहले आपको इसका आर इक्विवेलेंट निकालने से पहले आपको एक बात को नोट करना है, सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर में कौन सा टाइप आपका यूज हो रहा है, कि ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप है या स्टेप डाउन। अभी मेरे को ये पता नहीं लग रहा है ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन, मेरे को ये पता नहीं है। अब पता है किसी, अपने को ये नहीं पता है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या कौन सा आपका स्टेप डाउन है, परंतु मेरे को ये जरूर पता है ये इसकी एच डी साइड है कौन सी है और ये इसकी कौन सी है एल बी साइड है। यहां पे लो वोल्टेज है और यहां पे क्या होगी हाई वोल्टेज है। अगर मैं इधर सप्लाई देता हूं तो ये इसकी प्राइमरी हो जाएगी, अगर मैं इधर सप्लाई दूंगा तो ये प्राइमरी हो जाएगी। इधर आपने लोड जोड़ा तो ये कौन सी होगी सेकेंडरी, अगर आप इधर लोड जोड़ेंगे ये कौन सी होगी इसकी सेकेंडरी होगी। समझ में आ गई मेरी बात, तो मैं इस ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से मैं यूज करता हूं कि जैसे मैंने यहां पर इसको सप्लाई दे दी और यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया लोड जोड़ दिया, या तो पास में आगे सभी ये लोड जोड़ने के बाद मेरे को पता है ये जो ट्रांसफार्मर मैंने यूज किया है ना ये किस प्रकार से यूज किया है, इसका तो रेशो आएगा आपको एक से क्या आएगा ज्यादा आएगा, रेशो का मान क्या आएगा एक से ज्यादा। और जब रेशो का मान एक से ज्यादा आएगा तो एच डी साइड आपका लोड है हाई टेंशन साइड, तो ये इसका क्या एच डी साइड होगी और इसकी क्या होगी एल डी साइड होगी। तो ट्रांसफार्मर आपका है कौन सा, तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कौन सा है स्टेप अप, यानी वोल्टेज को क्या करेगा बढ़ाएगा। आप तो ये ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो कौन सा टाइप यूज कर रहे हो आपका कौन सा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। एक और आप क्या कर रहे हो सप्लाई का सोर्स जोड़ रहे हो, एक और क्या जोड़ रहे हो आप क्या जोड़ रहे हो लोड जोड़ रहे हो, तो ये इसकी एच डी साइड होगी ये इसकी कौन सी होगी एल डी साइड होगी, यानी इसकी एल डी साइड है ये कौन सी इसकी एच डी साइड है। आपने इधर लोड जोड़ा तो मेरे पास ये कौन सी सेकेंडरी हुई, और जैसे एच डी साइड लोड जुड़ता है ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया स्टेप अप हो गया। अगर आप लोड को उल्टा जोड़ते तो कौन सा होता है स्टेप डाउन हो गया। एक नंबर कंडीशन में आप डाल के लिखोगे लिखना
स्टेपअप का है, अगर ट्रांसफार्मर स्टेपअप का है तो उस अवस्था में तुल्य तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिघात व तुल्य प्रतिबाधा की गणना दो प्रकार से की जाएगी। पहला कौन सा है? इसका पहला टाइप है, उसमें अपने पढ़ेंगे इसमें कैसे करेंगे गणना, जैसे ये ट्रांसफार्मर नहीं है, इसकी गणना कैसे करना चाह रहे हैं, समझ में आ गई मेरी बात? जैसे कहता है HB2 LDPO, HB2 LV साइड, यदि आप सीखोगे HB से यहां पर से लिख सकते हो HB2 LV। आप किसकी गणना करोगे? सबसे पहले आर इक्विपमेंट निकालोगे, उसके बाद एक्स इक्विपमेंट निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे? जेड इक्विपमेंट निकालोगे। इसका जो आर इक्विपमेंट होता है ना, वो किसके बराबर होता है? इसका जो आर इक्विपमेंट आएगा यहां पे, अब यहां पे इसका डिस्टेंस कौन सा आपका? ये डिस्टेंस इसमें एंडिंग का सेकेंडरी का एक, इसका प्राइमरी का, इसको मैं क्या मान सकता हूं? R1। तो ये इसका क्या होगा? R2 होगा। इसके लिए दो कंडीशन पाई जाएगी, मेरे को पता है, क्योंकि एक बाइंडिंग होती है, इसमें दो कंडीशन पाई जाती है। इसमें अगर मैं यूज करूंगा एक बाइंडिंग में, तो क्या पाया जाएगा इसमें? तो R1 हो गया, और एक इसके साथ क्या पाया गया? इंडक्टेंस यानी क्या आएगा? इसके लिए XL भी आएगा, यानी इसको क्या मान सकता हूं? X1 लिख सकता हूं। एक ही बात है, XL वाली तो X1 लिख दो। इस बाइंडिंग का तो एक कंडीशन में आने वाला है, यहां पे क्या आने वाला आपके पास? इसको क्या लिखेंगे? R2। और यहां पे क्या लिखेंगे? इसको X2 लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? यानी ये इसका R2 और ये क्या इसका R1 होगा। जो आपके एलवी साइड है उसको क्या मानेंगे? R1 मानेंगे। रेसिपी फाइलों को मानेंगे आप R2 मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये नोट उठो पहले, इसके बाद बता दो कैसे निकालोगे इसको। ये बना लेना साहब, ये चीज तो समझ में आ रही है। ये इसका प्राइमरी साइड मान के चल रहे हैं, ये इसकी कौन साइड मान के चल रहे हैं? सेकेंडरी साइड। उसका आर्गुमेंट किसके बराबर आता है? यदि दोनों को सर्किट अलग अलग करें, तो इंडक्टेंस का मान इसमें आर का मान पाया गया है, R1 लिखा मैंने, इसको क्या लिखा? X1 लिखा। ये R2 ये क्या हुआ आपका? X2 हुआ। और दोनों का तो तुल्य योग आएगा, तो आपके पास क्या आएगा? आप इंपीडेंस आएगा, उसको क्या मानेंगे? तो इस पूरे सर्किट को यहां पे क्या मानेंगे? इसको तो क्या मानेंगे? पूरे को इसको तो मानेंगे Z1, और इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे Z2। ठीक है, तो ये नोट करो। देखो इसका जो आर इक्विपमेंट आएगा ना, वो होता R1 प्लस होता R2 बटा के स्क्वायर के बराबर। ये चीज का ध्यान रखना, R1 प्लस R2 यानी प्राइमरी बाइंडिंग का जो डिस्टेंस R1 है, सेकेंडरी बाइंडिंग का डिस्टेंस आपके पास R2, दोनों का योग बटा क्या लिखना है? के स्क्वायर क्या आपके पास? टर्न रेशियो। क्या है टर्न रेशियो? लिख लो वोल्टेज रेशियो। आपके पास रेशियो यानी क्या है? रेडियो है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ सकता है? इसका एक्स इक्विपमेंट निकालना पड़ सकता है। क्या? एक्स इक्विपमेंट। सेमी निकले, कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या लिखोगे? X1 प्लस क्या लिखोगे? X2 बटा में क्या लिखोगे? के स्क्वायर। पर तो ध्यान रखना, HB2 LV साइड निकालते हैं,
आपको दो मिनटों से पूछ सकता, आप तो आप ऐसे ही काट दे एचबी से एलबी की ओर, आपको बाद में ऐसे भी निकालना पड़ेगा। तो दो तरीकों में वो कैसे पूछ रहा है पर्सन को, तो अपने एलबी को एलबी पूछ रहा है, एलबी को एचबी पूछ रहा है, वो चीज का ध्यान रखना। पहली बात ट्रांसफॉर्म स्टेप अप का है, उसके बाद स्टेप डाउन का लॉजिक कैसे निकलेगा, आप स्टेप अप में यूज कर रहे हो। दूसरी बात, स्टेप अप में यूज करने से पहले एचबी से टू एलबी निकाले हो, एलबी टू एचबी निकाले हो, ये चीज का भी ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। पहली बात है ट्रांसफॉर्म मेरे पास स्टेप अप का है, दूसरी बात आप ऐसे डिस्टेंस निकाल रहे हो, आर इक्विपमेंट निकाल रहे हो या एक्स इक्विपमेंट निकाल रहे हो, वो कैसे निकाल रहे हो, एचबी तक एलबी साइड निकाल रहे हो, या इसका सेकंड पार्ट आएगा वो ये आएगा एलबी टू एचबी साइड, फिर भी उसका आर इक्विपमेंट अलग प्रकार से निकलेगा। ठीक है, ये दोनों नोट कर लो, उसके बाद देखें जेड इक्विपमेंट, तो ये होता है जेड बटा के स्क्वायर, इसके बराबर होता है। वो समस्या इसके बाद है। अब इसी ट्रांसफॉर्मर का कौन सा ट्रांसफॉर्मर आपके पास स्टेप अप है, कौन सा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, सभी को पता है रेशियो का मान एक से क्या होगा, ज्यादा होगा तो वो ये लिख दे, या वो ये भी लिख सकता है एनएस ग्रेटर देन क्या हो गया एलपी, तो भी एक ही बात है ना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ही है, चाहे ये ग्रेटर देन क्या लिखे इक्वल, ये तो पता ही है। अब इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, एलबी टू एचबी क्यों निकालना आर इक्वल में, क्या निकालना है एलबी टू एचबी क्यों क्या निकालना आर इक्वल में निकालना है। स्टार्टिंग में आपने इसे निकाला, पहली कंडीशन ये पूछता ही था, और सेकंड में आपको किस प्रकार से निकालना है, ये सेकंड टाइप से निकालना है, कैसे निकालना है एलबी टू एचबी क्यों। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, आर टू प्लस आर वन इंटू क्या लिखना है रेशियो, एक कंडीशन में आर टू प्लस आर वन इंटू में क्या लिखना है से गुणा करना, इसका ये होगा आर इक्विपमेंट, ये चीज का ध्यान रखना। इसका तो आर इक्विपमेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, आर टू प्लस आर वन इंटू में क्या आएगा के स्क्वायर, और एक्स इक्विपमेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा एक्स टू एक्स वन इंटू में क्या जाएगा के स्क्वायर, और जेड इक्विपमेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा जेड इंटू। ठीक है, जेड इंटू के स्क्वायर, ये चीज का ध्यान रखना दोनों का। ठीक है, ये नोट कर लो इसके साथ, हाँ जेड की वैल्यू यहां पर भी एक ही है, इंपीडेंस तो एक ही आएगा, इंपीडेंस तो आएगा उसको के स्क्वायर से बाद में गुणा करना, उसका जेड इक्वल मेंट आ जाएगा। ये तो रेशियो है, कोई रेशियो ले लो वो सभी का समान नहीं रहता है, आप बोल्ट के रेशियो निकालो चाहे करंट रेशियो निकालो चाहे आप करंट रेशियो निकालो, रेशियो एक ही आता है, अलग अलग नहीं आता, रेशियो एक ही होगा सभी के। ठीक है, देखो दूसरी में बात ट्रांसफर आपके पास स्टेप अप है, आप इस कंडीशन से निकालोगे आर वन का मान आपको देगा, आर टू का मान आपको देगा, और के स्क्वायर का रेशियो आप निकाल के उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, ये तो एचबी टू एलबी है और ये एलबी टू एचबी निकालना है। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड टाइप कैसे बनेगा वो देखो, नाम से ये तो बना दिया स्क्रीन, इसका सेकंड टाइप है ना वो कैसे वो देखो, ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर मान लिया, ठीक है, अब देखो इसमें इंडक्टेंस का मान भी पाया जाएगा, सभी को पता है जैसे इसमें इंडक्टेंस का मान है, यहां पे आर का मान पाया करेंगे, यहां पे आर को नोट के लिए इसके अंदर ही बना दिया, आर वाला मान लिया इसका, और इसमें क्या पाया गया जी, ये इसका एक्स मान है। ठीक है,
यहां पे क्या आपके पास, ये मान लीजिए इसका आर टू है और ये इसका क्या है एक्स टू है और यहां पे आपने डाल दिया जी दो दो आर, तो ये किसके एलबी साइड है और ये इसकी कौन सी है एचबी साइड है, यहां पे आपने सप्लाई दी। आपको देखते पता लग रहा ट्रांसफॉर्मर कौन सा स्टेप डाउन है, कौन सा है, अगर ट्रांसफॉर्मर आपके पास स्टेप डाउन है ना, ठीक है, रेशो का मान सभी को पता है एक से क्या होगा कम होगा, एक से क्या होगा कम होगा, या ये भी ले सकता एनएस लेस देन होगा किससे एनपी से, कोई दिक्कत है किसी की। अब देखो अब अपने को कोई दो कंडीशन निकालनी है, एक तो निकालना पड़ सकता आपको एच बी टू एलबी साइड, कैसे निकालना पड़ सकता है हाई टेंशन टू लो टेंशन की ओर, ऐसे निकालना एक दो कंडीशन में ये बात है आपके पास एच बी टू एलबी की ओर, तो यहां पे एच बी टू एलबी ये था इसका ये लॉग होगा यहां, ठीक है, यदि इसका रिवर्स करना है जो आपका एलबी टू एस डी यहां पर लागू हो रहा है यहां पर लागू हो जाएगा इसका, तो यहां पर इसका आर इक्विवेलेंट आएगा उसका सेम आएगा, क्या है देखो आर टू प्लस में क्या है आर वन इन टू में के स्क्वायर और इसका एक्स इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा एक्स टू प्लस में एक्स वन इन टू में के स्क्वायर और जेड इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा जेड इन टू में, तो ये इसकी पहली कंडीशन है। सेकंड में क्या आएगा, तो देखो इसकी जो सेकंड कंडीशन होगी ना उसके अंदर क्या कंडीशन आने वाली है आपके पास वो नोट कर लो, फिर अब कैसे निकालना आपको दो नंबर में देखो एलबी टू एचबी एलबी टू एचबी पे एलबी टू एलबी था आप एलबी टू एचबी का एक कंडीशन निकाल देंगे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू बटा के स्क्वायर और एक्स इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटा के स्क्वायर और आपका जेड इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा जेड अगर ये आगे तो इसका उल्टा है, ठीक है, ये आप इसे निकाल दें फर्स्ट साइड की और ये सेकंड टाइम इसका ऐसे हो जाएगा ये सेकंड टाइम, ठीक है, स्टेप का प्लस हो इसका उल्टा निकलेगा और स्टेप अप करो इसका ऐसे निकलेगा, ठीक है, ये नोट करो। ये प्रश्न भी आए हैं एमबीएस के अंदर, दो तीन प्रश्न पूछे, तीन प्रश्न पूछे थे, क्योंकि ऐसा प्रश्न आएगा ना एक प्रश्न में तीन प्रश्न पूछेगा वो, क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा प्रश्न उसको देना पड़ता है, वो तीन चीज पूछ सकता है आर इक्विवेलेंट क्या है इसका, दूसरे में लिया इसमें एक्स इक्विवेलेंट क्या है इसका, तीसरे में पूछा जेड इक्विवेलेंट क्या है, तीनों प्रश्न आए थे एमबीएस में, तो ये नोट कर लेना जरूर।